सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बनाने वाले हैं कोबलस्टोन फार्म, वो भी फुल ऑटोमेटिक। तो गाइस पहले उसके लिए ले लेनी है ब्रिक, और गाइस तीन या चार की वो लगा देनी है, चार लगा देने हैं इस तरह से। देख लो भाई, इस तरह से आपको चार लगा लेने हैं। फिर इसको पाँच ब्लॉक तक आगे ले जाना है, पाँच ब्लॉक तक, और ये हो जाएगा। फिर इसके बाद दो दो की लेयर लगा देनी है साइड में, पूरे में लगा देनी है। फिर ये इस टाइप से दिखेगा थोड़ा। फिर इसके बाद देख लो, ऐसे ही दिखेगा ये। अब इसके बाद ये जो एक ब्लॉक है उसके आगे का ब्लॉक तोड़ दो, ये सारे ब्लॉक तोड़ देने हैं, पीछे तक नहीं तोड़ने। और इसके नीचे ब्लॉक लगा दो। फिर वाटर लो, और जो एक ब्लॉक वाला है ना उसमें वाटर डाल दो, इसे इस तरह से डाल दो एक ब्लॉक वाले में। और जो जिसमें दो ब्लॉक है ना उसमें लावा डाल दो। और देखना भी सही कोबलस्टोन बन भी रहा है कि नहीं, देखो बन रहा है। ऐसे पूरे में लावा डाल दो, ये अपना अभी तो काम कर रहा है, फुल्ली ऑटोमेटिक बनाएंगे गाइस इसको। फिर इसके बाद ब्रिक लेनी है, और चार पांच ले जाना पीछे, पांच पांच ब्लॉक पीछे ले जाना। और इसके बाद देख लो गाइस ऐसा लगेगा। इसके बाद ये फिर लावा को आखिरी में से ब्लॉक कर देना है, और इसके पीछे वाला ब्लॉक तोड़ देना है दोनों। और फिर पिस्टन लगाना है इधर की साइड फेस करके। गाइस देख लेना किधर की साइड फेस है, फिर अपने आप लावा बन जाएगा, उस ब्लॉक को हटा दोगे जैसे ही। अब गाइस और गाइस इसके बाद वायरिंग का काम है, तो एक ऊपर लगा देना एंड में, और इसको कनेक्ट कर देना है, और फिर इसको उससे कनेक्ट कर देना। मतलब गाइस दोनों आपस में कनेक्ट होना चाहिए, और इसमें एक आइटम डालना बस ये। और फिर गाइस कंपैरेटर लेना है, और गाइस इसको ऊपर पे छड़ के लगाना है, ऐसे ही फेस होना चाहिए गाइस। और रिपीटर लगाना है, उधर की साइड पिस्टन लगा देना है मुकर के, इसके पीछे दो दो ब्लॉक लगा देने हैं, सबके पीछे दो दो ब्लॉक लगा देने हैं पूरे में, जिधर जिधर पिस्टन है उधर उधर ब्लॉक लगा देने हैं दो दो। और इसको तीन या चार तक पीछे ले जाना है, फिर सबके पीछे कंपैरेटर लगा देना है, फिर लेना है रेड स्टोन, और सबके पीछे रेड स्टोन भी लगा देना है, सबके पीछे लगाना है, इधर भी लग गया। अब रिपीटर लेना है, और देखना गाइस इसी तरह से मुकर के हो। अभी देखो ब्लॉक कम पड़ गए, इसको लगा दिया अभी ऊपर, और इस ऊपर को इससे टच किया, फिर ऊपर उस ऊपर को तोड़ के फिर इसको अटैच कर देना है। अब इसमें दोबारा से वैसे ही सिस्टम, एक आइटम डालो गाइस, ये कर देना है। अब उसको भी चला के आते हैं। अब देखना है जब तक पूरा भरे जब तक इसको चलने लगे। बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रही है मशीन, और ये पूरा भरने वाला है बस थोड़ी सी देर में, और ये भर गया। अभी इतना तो काम हो गया है, अभी क्या करना है मैं बताता हूँ। अरे गाइस ये जो आपको इन्वेंट्री में सामान दिख रहा है ये सब ले लेना है। फिर थोड़ा दूर आके जो वो ब्रिक लगे हैं ना उनसे दूर आके स्लाइम ले जाना, स्लाइम नहीं मतलब रेंडम ब्लॉक लगा देना है, टेम्परेरी ब्लॉक, उसको ऊपर तक ले जाना है, और ऊपर ले जाना गाइस इतना कि गाइस मतलब TNT फटे तो कुछ ना हो। और इसके जो नीचे वाले जितने भी टेम्परेरी ब्लॉक्स हैं उन सबको तोड़ देना है, टेम्परेरी ब्लॉक लगाना गाइस, स्लाइम जरूरी नहीं है, इन सबको तोड़ देना है। अब इसके बाद ऊपर जाना है, और गाइस इसको थोड़ा एल शेप में लगाना है, इसको गाइस एल शेप में लगाना है। अब लेनी है एक बॉल, किसी भी बॉल ले लेना गाइस पत्थर की, और इसको लगा देना है, इधर भी थोड़ा ऐसा लगा देना है इसके साइड में, और नीचे एल टाइप दे देना है इसमें सेफ। और ये जो बॉल है इसके आगे कोरल लगाना है, ये डेड हो जाएगा थोड़ी देर में, इसके नीचे TNT लगा देना है। ये देखो गाइस हो गया कोरल डेड। अब इसको तोड़ना है और एल शेप देना है, इधर डिटेक्टर रेल लगा देना है पहले, और उस पर कार्ट रख देना है माइन कार्ट। अब इसको एल शेप दे देना है,
और इसके पीछे फिर टेम्परेरी ब्लॉक लगाने हैं, ऊपर वाले में देखना भाई, ऊपर वाले में लगे हैं। और इधर लगा देना स्टिकी पिस्टन इधर की साइड फेस करके। और फिर गाइस ये जो ब्रिक्स हैं इनको, इन ब्रिक्स को गाइस लंबा ले जाना है गाइस, कुछ इस तरह से लंबा सा बना लेना बड़ा, दो दो ब्लॉक का बनाना है। इसको ब्लॉक को तोड़ना है और फिर दोबारा लगाना है। अब लेना रेडस्टोन रिपीटर, और गाइस इधर की साइड फेस है ना, उधर की साइड से ही होना चाहिए। फिर गाइस दोबारा से रिपीटर लेना है और इधर की साइड से फेस करके लगाना है अब इसको। ये गाइस सब लग गए। अब इसमें डिले डाल देनी है, 4 की डिले डाल देनी है, एंड तक डिले डाल देनी है गाइस, एंड तक डिले डाल देनी है सब में। सब में डिले डाल चुकी है। अब रेड इसको तोड़ देना गाइस। और ये रेड स्टोन इसको भी, लेफ्ट वाले को भी तोड़ना है। इधर रेड स्टोन लगानी है और इधर एक बार स्विच चला के देखना है गाइस, जो स्विच है ना थोड़ा आगे लगेगा, जो बटन है लीवर को आगे लगाना, वरना गाइस देखो कितना मतलब दो तीन एक साथ ही खट गए। और देखो नीचे धमाका हुआ है तो वो लगा देना ऑब्सीडियम, देख लेना आपका TNT कहाँ पर गिर रहा है उधर हिसाब से, अपने हिसाब से वो लगा देना ऑब्सीडियम। अब इस वाली जो आगे वाली रेडस्टोन है इसको तोड़ना है, लीवर लगाना है, ऑन करना है, उसको तोड़ के फिर रेडस्टोन लगा देना है। पहले देख लो गाइस काम कर रहा है कि नहीं, एक बारी में एक ही गिनना चाहिए। ये थोड़ा राइट बगल में होता है इसके, तो उधर ऑब्सीडियन लगाना होगा। और इसके पीछे वालों को तोड़ दो। अब दोबारा से इसको एक बार चालू करके देखना है, इधर लगाना है लीवर और रेड स्टोन लगानी है। अब ये टाइम लाइन बन जाएगी गाइस, ये चलती रहेगी, क्लॉक बन जाएगी गाइस, ये अब चलती रहेगी है गाइस। सर्किट तो पूरा काम कर रहा है पर जो TNT है वो बहुत जल्दी फूट रहा है, जल्दी नीचे आ रहे हैं, तो इसको पहले तोड़ दो। अरे पीछे और ब्लॉक जाना है, पीछे और जाना है ब्लॉक, ये गाइस डिले बहुत कम है तो पीछे चलेना है। अपने हिसाब से देख लेना गाइस आपको कितनी डिले रखनी है, पीछे जाते जाना है। अब रिपीटर लगाने देना है, जैसे पहले फेस करके थे उसे वैसे ही लगा देना है रिपीटर को, और इधर से ही लगाना, और इनमें भी डिले दे देना है एंड तक की। ये गाइस देखो गलत लग गया, इस तरह मत लगाना, इधर की साइड फेस करके लगाना है, 4 आखिरी तक डिले देना गाइस। अब पीछे लगा देना रेडस्टोन। अब ये पूरी वायरिंग हो गई है, इसको तोड़ना है, फिर दोबारा से वही लीवर को लगा के एक बार चालू करके देखना है, और इसको रेडस्टोन डस्ट लगा दोगे तो एक क्लॉक बन जाएगी। अब ये सही काम कर रही है देखो, अब ये TNT गया फटेगा, ये क्लॉक तो एकदम बढ़िया काम कर रही है। जब तक गाइस नीचे कोबलस्टोन की लाइन आ जाती है जितनी देर में जाता है। अब गाइस पूरा काम हो गया, अब नीचे वाटर कलेक्टिंग सिस्टम बनाना है, तो इसको मैं भर देता हूँ, और ये पूरा भर गया ही गड्ढा हुआ था जो। गाइस यहाँ से 6 ब्लॉक गिन लेना है, इसको भी तोड़ दो गाइस बगल में, जितना आपकी कोबलस्टोन है ना आगे तक उतना बगल बगल से पूरा तोड़ दो, और फिर 6-7 ब्लॉक गिनना है, और जो 7वां ब्लॉक है उसको तोड़ देना है, क्योंकि पानी 7 ब्लॉक तक जाता है, उसके बाद रुक जाता है, इसलिए 7 ब्लॉक को तोड़ देना है, और ये पूरे को ऐसे भर देना है, और इसके आगे वालों को भी तोड़ देना है फिर। और ये पूरा तोड़ दिया मैंने,
पूरा टूट गया। अब इसके बाद आपको पानी डाल के देखना है, पानी डाल दें इधर। देखना गाइस ये जो लाइन जा रही है ना ये सीधी जानी चाहिए, हर ब्लॉक पे पानी डालना जब जाएंगी। ये बन गया पूरा। अब इसमें एक आइटम फेंक के देखो ये काम कर रहा है कि नहीं। ये बटन तो नहीं गया, लीवर को फेंक के देखते हैं आप। हाँ गाइस प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब इसके जो आगे ये दो ब्लॉक तोड़ दो, ये पानी का एंड तक तोड़ दो, ये पूरे ब्लॉक तोड़ दो। ये टूट गए सारे ब्लॉक, चार रह गए बस टूट गए। अब इसके बाद नीचे लगा देना है ऊपर इसको, ये जो एंड है ना यहाँ पर तोड़ के ऊपर लगाना है, पूरे में ऊपर लगा देना है। सॉरी गाइस मैं चेस्ट नहीं लगा पाऊँगा क्योंकि नीचे बेडरॉक आ गया, सुपर फ्लैट में मैं बना रहा था इसलिए। तो आप चेस्ट वगैरह देख लेना। और ये अपनी पूरी मशीन कंप्लीट हो चुकी है, बस ऊपर TNT ऊपर को चालू करना है। इसको चालू कर देते हैं। ये टोटी रेडस्टोन डस्ट, ये लगाया लीवर, इसको भी तोड़ के फिर रेडस्टोन। अगर ये कर रहा है बहुत बढ़िया से वर्क। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। Place where they told you what to chase, told you how to run the race.